हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आने वाला है होली, आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम बनाने वाले हैं होली रिलेटेड DIY। तो बिना टाइम की बर्बादी किए हुए चलिए चलते हैं वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हमें ले लेना है दो कूलर, और यहाँ पे ले लेना है वॉल पुट्टी, और वॉल पुट्टी का पैकेट हम कट कर लेंगे। और यहाँ पे कटोरी में वॉल पुट्टी निकालेंगे करीब 4 चम्मच के करीब, और उसमें पानी मिलाकर मिक्स करेंगे। गोल जो बेसन का गोल होता है ना, उसके तरह बनाएंगे, और पूरे कूलर के ऊपर हम वॉल पुट्टी का घोल लगाएंगे, और अच्छे तरीके से चारों तरफ फैला के, मैं यहाँ पे दो कूलर ली हूँ, दोनों पे लगाती हूँ, और उससे सूखने के लिए छोड़ देंगे। फिर हम यहाँ पे लेंगे और वॉल पुट्टी, और उसमें बहुत ही कम मात्रा में पानी डालना है, बिल्कुल चम्मच से लेकर, यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच पानी डाली हूँ, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। उसमें जो भी लम्स बनेगा उसे दबा दबा कर अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर पानी थोड़ा कम लगे तो उसमें डालें, मैं यहाँ पे 1 चम्मच और मिक्स की हूँ, और ये मैं उंगली की मदद से चम्मच से छुड़ा दी। और वॉल पुट्टी डो थोड़ा सा गीला लग रहा है मुझे, तो मैं इसमें थोड़ा सा बिल्कुल 1/2 चम्मच के करीब और मिक्स करूँगी, और इसे अच्छे से मिलाकर डो बनाएंगे, बिल्कुल जैसे आटा गूंथते हैं उस तरीके से हम इसे गूंथेंगे। और इसे कोई भीगा हुआ कपड़ा में फोल्ड कर देंगे, क्योंकि एक बार बनाया हुआ डो करीब 2 घंटे ही चलता है। और उसके ऊपर हम उसके बाद हम कूलर के ऊपर अच्छे से इसका लेयर बनाएंगे। वॉल पुट्टी डो को हम फैला कर अच्छे से पूरे कूलर के ऊपर स्प्रेड करेंगे, मिलाएंगे, और देन उसके बाद हम इसके ऊपर एक मोटा लेयर लगाने वाले हैं। तो इसलिए हम थोड़ा सा और वॉल पुट्टी उसमें मिक्स किए हैं, और बिल्कुल आटे की तरह गूंदे हैं, और ये बिल्कुल क्ले की तरह हो जाएगा मिक्स करते करते, आप देख रहे हो। तो ये हल्का हल्का पानी लेकर उसे हाथ से फैलाएंगे तो वो चिकना हो जाए। तो हम अपने हथेली की मदद से यहाँ पे एक वॉल पुट्टी डो से कॉयल की तरह बनाएंगे, और उसे कूलर के ऊपर के पार्ट पे अच्छे से लगाएंगे, और उसे उंगली से अंगूठे की मदद से दबा दबा कर उसे चिपकाएंगे। फिर हम हाथ में लेंगे थोड़ा सा पानी, और पानी की मदद से इसे अच्छे से चिपकाएंगे, क्योंकि ये इसे चिपकाने के लिए बस पानी चाहिए, ना कि आपको फेविकॉल या कुछ भी किसी अलग चीज़ का कोई ज़रूरत नहीं है। पानी और उंगली की मदद से हम चिपकाएंगे, और एक और कॉइल बना के मैं यहाँ पे नीचे की ओर चिपका रही हूँ। ऊपर का डिज़ाइन देने के लिए मैं यहाँ पे और ज़्यादा वॉल पुट्टी लेकर उसका कॉइल बनाकर पूरे राउंड शेप में ऊपर लगा रही हूँ। फिर हम उंगली में लगाएंगे थोड़ा सा पानी, और वॉल पुट्टी का पेस्ट उस पर हम अच्छे से फैलाएंगे, और उसे अच्छे से चिपका कर शेप देंगे धीरे धीरे इसे करके। फिर हम लेंगे एक पेन, और पेन के ऊपर का जो पॉइंट होता है उसको लेंगे, और उसके पिछले हिस्से से इसके ऊपर डिजाइन बनाएंगे। फिर उसके बाद हम उस कैप को उसको पेन में लगाएंगे, सेट करेंगे, और उससे नीचे की ओर डिजाइन देंगे। एंड अब बारी है सेकंड वाली कूलर की। तो अब हम यहाँ पे लेंगे वॉल पुट्टी डो, और उसे लंबा सा बेल लेंगे, और उसे हाफ से कट कर देंगे। अब हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे बिल्कुल पॉट के सेंटर से। तो हम यहाँ पे सेंटर पे लगा देंगे, और उंगली की मदद से उसे अच्छे से फैला देना है, चिपका देना है। घर के ऊपरी हिस्से पे भी वॉल पुट्टी डो देकर उस तरह से डिजाइन बनाएंगे जैसा आप देख रहे हो। फिर हम लेंगे यहाँ पे चाकू, और चाकू की हेल्प से यहाँ पे कट कट वाला डिजाइन बनाएंगे, मतलब कट लगाएंगे, और उस तरह से डिजाइन बनाएंगे बर्फी शेप में, बिल्कुल डायमंड शेप में हम डिजाइन बनाएंगे। देन उसके बाद जब ये डायमंड शेप क्लियर हो जाता है, तब मेरे खोपड़ी में आइडिया आता है कि ये कुछ खास नहीं लग रहा है। तो फिर से मैं उस पेन के ढक्कन को निकालती हूँ, और उससे छोटे छोटे गोला गोला बना देती हूँ। इसे मैं पूरे पॉट के ऊपर बना दूंगी, देन उसके बाद हम इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमारा दोनों ही पॉट सूख गया है। अब कोई भी सैंड पेपर लेके उसे हल्का हल्का जो भी खुरदरा पार्ट है उसका ऊबड़ खाबड़ सा उसको प्लेन कर देंगे। फिर हम लेंगे थोड़ा पानी, क्योंकि अब बारी है इसके कलरिंग की। तो क्योंकि कलर यहाँ पे मैं एक हैक बता रही हूँ, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप कलर करते हो तो ये वॉल पुट्टी जो होता है वो आपका कलर ज़्यादा सोख लेगा। अगर उस पर आप पानी का लेयर लगा लोगे तो वो पहले पानी सोख लेगा, देन उसके ऊपर वो कलर अच्छे से फैल जाएगा, अच्छे से कलर हो जाएगा, ज़्यादा इसमें आपका कलर का बर्बादी नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं ब्लैक कलर से कलर कर दी हूँ फर्स्ट वाले पॉट को, और उसके बाद एक फोम लेकर सिल्वर कलर को ऊपर जो भी उसके डिज़ाइन है उसके ऊपर मैं यहाँ पर लगा रही हूँ टैप टैप करके।
इसी तरीके से ऊपर और नीचे दोनों ही जगह अच्छे से कलर कर देना है। देन उसके बाद और भी कलर बच गया था तो मैं उसे अच्छे से ऊपर की ओर से फैला दी और फिर उसके बाद नीचे की ओर से भी फैला देंगे और बीच में जो स्पेस बनेगा बचेगा वहाँ पे हम बनाएंगे फ्लावर्स। तो रेड कलर लेकर मैं यहाँ पे पेटल्स फैला रही हूँ फ्लावर का, तो यहाँ पे रेड कलर का फ्लावर हमारा एक बन गया है और इसी तरीके से हम पूरे पॉट के ऊपर फ्लावर बना देंगे बारी बारी से। फिर हम गोल्डन कलर लेके फ्लावर के ऊपर डॉट डॉट सा बना देंगे। तो ये कितना प्यारा लग रहा है, अभी से इतना प्यारा लगने लगा। और अभी मुझे थोड़ा सा आइडिया आया कि गोल्डन कलर क्यों ना लेके मैं जो ऊपर गोला गोला सा डिज़ाइन बनाई थी उसके ऊपर लगा दूँ। तो ये उस पर लगाने के बाद तो और भी ज़्यादा प्यारा दिखने लगा है, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे वॉल पुट्टी का मेरा जो ट्राई है ये फर्स्ट ट्राई है, मैंने लाइफ में फिर पहले कभी वॉल पुट्टी ट्राई नहीं करा था, तो दिस इज़ माई फर्स्ट ट्राई। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये प्रोसेस आपको कैसा लग रहा है। और फिर मैं यहाँ पे सेकंड वाला पॉट लेकर पर्पल कलर से कलर कर रही हूँ। अब लेंगे हम गोल्डन कलर और गोल्डन कलर लेकर उसके ऊपर पॉट के ऊपर अच्छे से टैप टैप करके इस पर भी हम कलर करेंगे। और कलर कंप्लीट हो जाने के बाद ये बहुत अच्छा लगा, अभी डॉट डॉट सा डिज़ाइन बना था उसके ऊपर रेड कलर से डॉट डॉट का डिज़ाइन बना देंगे। तो यहाँ पे हमारा हो गया। फिर हम उसके बाद नीचे का जो स्पेस है उसमें रेड कलर से ऐसे सर्कल ड्रॉ करेंगे। दोनों ही आर्ट पीस हमारा बन के रेडी हो गया है, हमारे आर्ट पीस का फाइनल लुक। होली के बाद आप इसे एज ए फ्लावर पॉट भी यूज कर सकते हैं। आई होप ये DIY आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैप्पी होली।